सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम इशिता खुराना, अ थर्ड प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू माई टॉप लर्निंग्स फ्रॉम द ईयर 2022. सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे इन लेसन से शायद आपको फ्यूचर में या कभी भी कुछ हेल्प मिले. सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड दिस ईयर इज कि बहुत बार ऐसा होता है दैट थिंग्स दैट यू प्लान फॉर योर सेल्फ या जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो वैसी नहीं मिलती हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू टेक इट वेरी ईजी, बिकॉज अगर आप उस चीज़ का बैगेज ले लोगे सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू थिंग्स अदर दैन वॉट यू हैव प्लान फॉर योर सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार, इनफैक्ट मुझे तो ऑलमोस्ट हर बार ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अगर कभी भी कोई चीज़ मेरे साथ एज प्लान थी या एज एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं हुई तो कुछ उससे बेटर ही हुआ है, एंड इट हैज़ हैपन्ड फॉर गुड. तो इस साल भी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मुझे ये चीज़ समझ आई कि हमेशा जो चीज़ें हम प्लान करते हैं वो वैसी नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, एंड उनको ईजी लेना चाहिए एंड उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसका अपनी लाइफ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने देना चाहिए, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट. सो द लर्निंग नंबर टू इज़ कि आप कितना भी अच्छा हो जाओ, आप कितना भी सबके साथ अच्छा कर लो या आप कुछ भी अच्छा कर लो, बट हमेशा ऐसे लोग होंगे विच विल नॉट, हु विल नॉट लाइक यू एंड दे विल नॉट हैव अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर दैट. ऐसा होगा ही होगा, चाहे आप YouTube की बात कर लो या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लो, तो हमेशा ऐसा होगा कि आप किसी के साथ, किसी के लिए कितना भी कर लो तब भी ऐसा होगा कि वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. बट At the same time, you will always find people who will always support you. हो सकता है वो जो उन लोगों का नंबर हो वो बहुत ज़्यादा कम हो उनसे जो आपको पसंद नहीं करते हैं, but वो हमेशा आपके साथ होंगे. एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि फेक फ्रेंड्स होने से अच्छा है या ऐसे लोगों होने से अच्छा है जो बाहर से आपको कुछ और दिखें और अंदर से कुछ और हो, उनसे अच्छा है कि आपके पास दो तीन लोग हों लेकिन वो बहुत जेन्युइन हों, बहुत ऑनेस्ट हों. और मैं खुद भी एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली हर रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करती है, कि मैं बहुत जो जिस भी रिलेशनशिप में हूँ, चाहे मेरा कोई फ्रेंड हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँ. एंड आई थिंक दिस वॉज माई लर्निंग नंबर टू, टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस फैक्ट कि आपको और से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे. लर्निंग नंबर थ्री, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. कितना भी ये चीज बोल लो, कितना भी ये चीज समझा लो, बट कभी ना कभी ऐसा होता है दैट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ्स. और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, ये सिर्फ यूट्यूब में नहीं होता, ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों में, इन जनरल लाइफ में भी होता है कि लुक्स के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग पढ़ाई के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, हम लोग सक्सेस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं. एंड एक्चुअली जब हम दूसरों को खुद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक हम लोग अपनी जो यूनिक सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं. एंड अगर हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारी एसेंस है वही हम खो देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हर कोई बहुत ज़्यादा यूनिक है और हर किसी के पास अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटी है. तो अगर आप कभी भी किसी को इमिटेट करने की कोशिश करोगे तो आप वो कहीं ना कहीं खोते जाओगे. दैट इज़ योर यूनिकनेस जो आपको स्टैंड आउट करवा सकती है. सो दिस वॉज माई लर्निंग नंबर थ्री. सो द लर्निंग नंबर फोर वॉज कि स्टॉप कैरिंग योर ओल्ड फीलिंग्स या ओल्ड एक्सपीरियंसेस इनटू न्यू वंस. तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हर्ट कर देती हैं या फिर हमारे ऊपर उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ हो. और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ होता है, वो सबके साथ ही होता है. कोई ना कोई सिचुएशन में ऐसा होता है जब आपको जेन्युइनली लगेगा कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ वेरी अनफेयर टू मी. बट You should realize this fact and you should understand कि अगर आप उस चीज़ का baggage लेके घूमोगे अपने साथ, आप उसी चीज़ को याद करते रहोगे तो आप आगे भी अपनी life को, अपने नए experience को enjoy नहीं कर पाओगे. And आपको हमेशा ये चीज़ समझनी चाहिए, जो कि मुझे भी ये समझ आया है कि जो भी ऐसे experiences होते हैं आपके साथ, या अगर आपको लगता भी आपके साथ कुछ unfair हुआ है तो आपको उस time पे actually नहीं समझ आएगा, but कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छी चीज़ छुपी होती ही होती है. प्लस आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, चाहे वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, चाहे वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको उस चीज़ को फेस करने की एक स्ट्रेंथ दे, ये भी हो सकता है. और साथ में आपको वो स्ट्रॉन्ग तो बनाते ही बनाते हैं. तो उस चीज़ को भी आपको पॉजिटिवली लेना है, पॉजिटिवली नहीं तो एटलीस्ट आपको उससे मूव ऑन करना आना चाहिए, तभी आप नए एक्सपीरियंसेस को इन्जॉय कर सकते हो. एंड
लर्निंग नंबर 5, बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग अ यूट्यूबर आल्सो आई गेट सो मेनी कमेंट्स, आई गेट सो मेनी पॉजिटिव कमेंट्स, आई गेट सम ऑफ द नेगेटिव कमेंट्स, एंड बहुत बार लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में दे टॉक अबाउट माय लुक्स, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग, द वे आई लुक, द वे आई स्पीक, एंड समटाइम्स मुझे उस चीज़ का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है. हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ आई हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग इन दिस आस्पेक्ट कि मुझे लिटरली इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं पड़ता है. बट कभी कभी आपको जेन्युइनली खुद से अंदर से फील होने लगता है कि पता नहीं मैं सच में इतनी अच्छी दिखती हूँ या नहीं, या पता नहीं, यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्शियस अबाउट द वे यू लुक, द वे यू आर. बट अल्टीमेटली जो चीज़ें मुझे डीप थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद समझ आई हैं, यू नीड टू लव द वे यू आर. आई एम नॉट सेइंग कि आपको, अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपका वेट थोड़ा आपने पुट ऑन कर लिया तो आपको वेट लूज़ नहीं करना चाहिए, या आपको उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या आपको उसके लिए हेल्दी नहीं खाना चाहिए. डेफिनेटली दैट इज़ फॉर ओन ऑफ योर ओन गुड. लेकिन अल्टीमेटली आप जैसे भी हो, अगर आपको लगता है कि यार मैं काश थोड़ी लंबी होती, काश मैं थोड़ी पतली होती, काश मैं थोड़ी फेयर होती, अगर आपको ऐसा लगता है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ सो वेरी टेम्परेरी, एंड जो आप अंदर से हो ना, वो अल्टीमेटली दूसरों को, आसपास वालों को समझ आ ही जाता है. जो एक्सटर्नल ब्यूटी है दैट अट्रैक्ट्स, बट द इंटरनल ब्यूटी डेफिनेटली कैप्टिवेट्स. तो आपकी वो इंटरनल ब्यूटी जो है ना, दैट इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव. तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए द वे यू आर, द वे यू लुक, यू शुड बी कॉन्फिडेंट. और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों ऐसी नहीं दिखती हूँ, या मैं क्यों इतनी फेयर नहीं हूँ, या मैं क्यों ऐसी नहीं हूँ. ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट with the self that you are. So with that, we come to an end to this video. I hope you enjoyed this video, and this is something which I have started creating. Kuch naya kuch main create karne ki koshish kar rahi hu, and I hope you're liking this. I hope जितना प्यार आपने मेरे बाकी सारे कंटेंट को दिया, आप इसको भी वैसे ही दोगे. आई ट्राई टू शेयर मोर ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, मोर ऑफ सच कंटेंट. प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा लगा. यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आपको क्या लगता है कि आपकी 2022 की लर्निंग्स क्या. आई वुड लव टू हेयर देम ऑल. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इशिता खुराना 20. एंड थैंक यू गाइज, सी यू, बाय बाय, एंड हैप्पी न्यू ईयर.